जूम ऐप। अच्छा डाउनलोड हो चुका है अब। हाँ हाँ जी चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं जिससे कि जो बाकी हैं वो भी जुड़ जाए। मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ ऐसे आपका। 6 बजे मैंने आपको कहा था, आप काफी लेट हो गए हैं। ठीक तो है ये दूसरे मोबाइल में डाउनलोड किया, उसमें तो हुआ ही नहीं। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं कुछ ऐसे रैंडम डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी और आपको किस तरीके से उनका फायदा उठाना है। ठीक है आप सुन पा रहे हैं, वॉइस क्लियर है? यस ओके सर ओके ओके तो मैं अपनी ये स्क्रीन जो है इसे शेयर करता हूँ आपके साथ। ये पीपीटी आप जिससे देख पाए, आपको पीपीटी क्लियर है? सर हाँ जी तो देखिए हमारा जो ये तरीका है इस तरीके से रहेगा, हमारी क्लासेस इस तरीके से चलेंगी। मैं आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी दे सकता हूँ, ठीक है? लेकिन उसमें तो क्या, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा? हाँ जी टेलीग्राम टेलीग्राम पे भेजोगे इसको आप रिकॉर्डिंग लेक्चर? पे? हाँ जी वो टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। जैसे ये क्लास है अभी चल रही है आपकी, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ ही साथ रिकॉर्ड हो रही है, आपको छूटने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। हमारी जो लाइव क्लास है उसका तो अलग ही बेनिफिट है ना, क्योंकि जैसे आप डायरेक्ट, मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पर से पीपीटी के माध्यम से, या फिर मैं अपना पीडीएफ जो मेरे होते हैं नोट्स एंड रिटर्न नोट्स, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप डायरेक्ट मुझसे उस टाइम पे पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, उससे ये फीलिंग आएगी कि हम एकदम सामने बैठे हैं। और अगर आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर भी, तो ये रिकॉर्ड लेक्चर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिससे आप उसे डाउनलोड करके उसे आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है ना? और जो पीडीएफ मटेरियल है वो पीडीएफ आपको क्या है फिर थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। ठीक है? तो आज का मेरा जो एजेंडा है वो यही आपको बताना है कि किस तरीके से आपको लेक्चर्स का फायदा लेना है। ठीक है? आई होप आप, आई एम ऑडिबल? यस ओके ठीक है तो देखिए यहाँ से, देखिए हमारे जो कोर्स है उसमें आप सभी जानते हैं जो NTU JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो कोर्स है, उस सिलेबस जो आपने दिया हुआ, सिलेबस मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, कि आपने सिलेबस देखा? सिलेबस को आप पहले, हाँ सिलेबस पता है। जी सिलेबस को क्या है डाउनलोड करके या फिर हो सकता है तो प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रखें। हमेशा आपके पास सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके पास हमेशा होने चाहिए। ओके तो सबसे पहले जो चलेगा पहली यूनिट वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है? जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके बाद ओशनोग्राफी, और ओशनोग्राफी के बाद एनवायरमेंट ज्योग्राफी, फिर हम थॉट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट्स। ठीक है? और फिर इसके बाद कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स, यानी कि जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ओके पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल एंड सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस तरीके से हमारा जो है सीरीज चलेगी। ठीक है? सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद मैं उसके आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर के नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएंगे और कहीं पे भी आपको कोई किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है कोई भी, तो आप उसे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जो है जियोमॉर्फोलॉजी का ये सिलेबस यहाँ पे NTA UGC नेट ने दिया हुआ है। ठीक है? जिसमें उन्होंने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है? ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, थ्योरीज चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी की हो, क्लाइमेटोलॉजी की, या ओशनोग्राफी, थॉट, कोई सा भी अगर यूनिट है उसकी जो थ्योरीज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थ्योरीज से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो थ्योरीज, और उसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, थ्योरीज का जो मेन थीम है वो क्या है, ठीक है, और थ्योरी किसने दी है और उसके अगेंस्ट कौन सी थ्योरीज हैं, इस तरीके से अगर आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलते हैं तो एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है।
देखिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें क्या है एक जगह समेटने की जरूरत है। आप किस तरीके से एग्जाम को समझ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करते हुए किस तरीके से एग्जाम को टैकल करते हैं, बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया है कि अभी आपको पता होगा जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अभी मैं एमए कर रही हूँ, ओके फाइनल ईयर ज्योग्राफी। फाइनल ईयर, यस सर। ओके ओके ठीक है, तो आप आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपने वैसे भी आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपने सारे जो है जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, क्लाइमेटोलॉजी और यस जियोग्राफी, तो इसमें ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। आप किसी भी बुक को अगर पढ़ें, देखिए बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको यस ऐसा है सर। ना, जैसे मैं आपको चाहे कितने लेक्चर दे दूँ, कितना ही मैं आपको समझा दूँ, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन को कब समझ पाएंगे, उसकी लैंग्वेज को समझना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। उस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे, जब आप क्या करेंगे, अपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा। जब आप मेरे से लेक्चर लेंगे, मैं आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो आपके लिए जो बुक्स हैं उनको पढ़ना और बुक्स से फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बुक को ना पढ़ें, बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यस कॉन्टिनेंटल सर। ड्रिफ्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, यहाँ पे ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस एनटीए ने यहाँ पर इतना सा दे दिया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पूछी जाती हैं, जैसे कि इस सिलेबस में आप देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने जियो मोर्फोलॉजी के पढ़े होंगे, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म यानी कि जो एकरूपतावाद है, और आकस्मिकवाद है, कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेम्स हटन से, ठीक है ना? और यहाँ पे इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है यहाँ पे सिलेबस में। कुछ हमेशा सिलेबस में ऐसा होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है सिलेबस में से, अंडरस्टैंड करते हुए उनको निकालना पड़ता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो एंडोजेनेटिक कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, जैसे एंडोजेनेटिक वो फोर्स है जो अंदर से पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, ठीक है ना? जैसे अर्थक्विक है ना, वॉल्केनोज। अर्थक्विक है, वोल्केनो है, ठीक है? तो यहाँ पर अर्थक्विक और वोल्केनो नहीं लिखा हुआ है। अब जो न्यू कमर्स होंगे वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे और अर्थक्विक और वोल्केनो को वो हो सकता है स्किप कर जाए, ठीक है? अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है यहाँ पर, अब यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें जो विंड से लैंडफॉर्म्स बनते हैं या फिर जो रिवर से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कोस्टल एरियाज में जो सी वेव से बनते हैं, ठीक है, और ग्लेशियल पेरीग्लेशियल इनसे लैंडफॉर्म बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है? और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हम सभी जानते हैं ये सारे जो प्रोसेस होती हैं, सी वेव और जो विंड्स हैं और रिवर्स हैं, है रिवर्स, ना, ये पांच ग्लेशियर्स एंड सही। प्रोसेस होती हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, तो ये एक्सोजेनेटिक में आती हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, सिलेबस को अच्छे से समझते हुए उसके जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पे डेनुडेशन एंड वेदरिंग है, यानी इरोजन और वेदरिंग, इसमें दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं तो वो उसे डेनुडेशन बोला जाता है, यानी अनाच्छादन की प्रक्रियाएं, ठीक है? और उनसे रिलेटेड फिर जो थ्योरीज हैं, जैसे डेविस की है, पेंक की है, अब इसमें केवल डेविस और पेंक का नाम दिया हुआ है, किंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसी किंग से और स्ट्रॉलर से भी पूछे गए हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर देखा होगा तो, ठीक है? आप एक काम करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोला टेक्निक आप इस्तेमाल करें। गोला टेक्निक क्या है, जैसे अभी मैं जियोमोर्फोलॉजी हमने स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। मैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ, सॉल्ट पेपर है। सॉल्ट पेपर लेने का फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता लगता है, ठीक है? तो आप क्या करें, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स में जितने भी, या फिर आप अगर ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी करने में आप एक्सेल, अपनी एक्सेल में या फिर अपना एमएस वर्ड में अपना फाइल बना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए, उन जियोमॉर्फोलॉजी को अगर आप बुक से कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चन को क्या कर दें, गोला कर दें, ठीक है? सारे जियोमॉर्फोलॉजी के लगभग जो रिसेंट अभी 2019 से और 2000 कम से कम 12 तक तो या फिर 10 तक तो आप कम से कम जाए पीछे, तो सारे जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन को आप क्या कर दें, साइड कर दें, ये सारे जियोमॉर्फोलॉजी के। फिर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं,
आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेशन सिटी लिखा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से अगर आप रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, तो अर्थक्वेक को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, वो काम आपका होगा, ठीक है। मैं लास्ट में तो पेपर सॉल्व करवाऊंगा ही, लेकिन जब शुरू में जब चल रहा होगा तो बीच बीच में ऐसे मैं बताते रहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अर्थक्वेक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताते रहूंगा। लेकिन आपका काम क्या होगा, जैसे मैं आपको आज बता दूंगा कि कल आपकी क्लास होने वाली है क्या अर्थक्वेक पे, तो आपका ये काम होगा कि अर्थक्वेक पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपने जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चंस को पहले ही उनको मार्क कर दिया होगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले उनको, पहले ही उनको मार्क करके रखा होगा, तो आप क्या करेंगे अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको आप अपनी नजर में रखेंगे, जिससे कि आप जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं अर्थक्वेक के, तो आप कनेक्ट कर पाए कि क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और किस चीज को मैं बस समझ करके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। फिर इसके बाद कुछ इसमें ऐसे और टॉपिक्स हैं, जैसे आइसोस्टेसी है यानी समस्थिति, ठीक है, आइसोस्टेसी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेजुवेंशन लैंडफॉर्म जो होते हैं यानी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म जो भी जिनको बोलते हैं, ठीक है, और ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इसका सिलेबस, सिलेबस के अलावा आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है क्लास को लेते हुए, ठीक है। जैसे इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप सामने से मेरे से बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे डोंट ड्यूरिंग क्लास, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको क्लास के दौरान नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, कभी अभी तो मैं क्योंकि टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझे कुछ उससे डिस्टरबेंस हो सकता है या फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो आप जो है अपनी ऑडियो को म्यूट रखेंगे, ठीक है, वहाँ पे म्यूट का एक ऑप्शन है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, अपने आप को म्यूट रखेंगे, और जैसे कि आप अभी आपकी वीडियो स्टॉप है तो उस वीडियो को आप स्टॉप पे रखेंगे, ताकि मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा वीडियो चल, अगर सामने से आपकी वीडियो चलेगी तो उससे हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो, और पीछे से जो नॉइस आ रही है उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उससे फिर थोड़ा सा ऐसा है ना क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें इनको आपको ध्यान में रखना है, अपने आप को आपको म्यूट रखना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बीच में पूछना है मुझसे, तो क्वेश्चन को पूछने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूछने के लिए यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, सॉरी चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे चैट आप नीचे आपको दिखाई दे रहा है, चैट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको आपका क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन आपका ज्यादा लेंदी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि आपको अनम्यूट होना है, क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आपको तब उस टाइम पे बोलूंगा, कि जैसे होता है ना कि आप क्लास में बैठे हैं तो आप अगर लेक्चर लेते हुए अचानक से बीच में बोलेंगे तो फिर हो सकता है टीचर के दिमाग से वो बात निकल जाए जो वो बताने वाले हों, तो आपको हैंड क्या हैंड राइज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरे को अगर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको कहूंगा कि अपना टॉपिक अपनी लाइन खत्म करके कि आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हाँ जी, तो आप अपने आप को म्यूट रखें और स्टॉप वीडियो को, और अपने आपस में जो है कि बात ना करें वीडियो कॉलिंग में, ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको जो हमारा पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप में आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे कि अभी जो बाकी लोग हैं वो नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो उनको मिल जाएगी और वो इसे क्या है देख सकते हैं, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको वो समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज नहीं समझें तो उसके लिए आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हैं, इसी में चैट का एक ऑप्शन है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो आपका उस समय पर क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगा, ठीक है। हेलो, हाँ जी, आपने समझा ये पूरा, हाँ समझ लिया। हाँ जी, ओके, तो कल से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, और कल से जो है टाइमिंग का आप ध्यान रखें, और मैं आपको जैसे ही उसमें मैसेज करता हूँ टेलीग्राम पे टाइमिंग के साथ आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे क्लास होगी, सुबह से जो क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा, और टॉपिक भी मैं उसमें लिख दूंगा क्या टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को क्या है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के आए कि किस तरीके से, और जो टॉपिक जिस दिन करवा दिया जाता है उसको उसी दिन खत्म करने का प्रयास करें, ठीक है। और मैं आपको कुछ, मॉर्निंग में ही होंगे क्लासेस, हाँ जी, क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी, हाँ जी, मॉर्निंग में भी होगी, एक क्लास मॉर्निंग में और एक क्लास इवनिंग में होगी आपकी, ठीक है, तो तो दोनों दोनों क्लास अलग अलग चलेंगी या नहीं, सेम सेम यूनिट की चलेगी,
अलग अलग यूनिट से क्या होगा कि थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो सकते हैं, एक यूनिट को अच्छे से एक बार खत्म कर लेंगे तो फिर उसको आपको इजी रहेगा, ठीक है। हो सकता है फिर हम हैंडल करने में भी उसको प्रॉब्लम हो, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में दो क्लासेस चलेंगी, तो दोनों की टाइमिंग और दोनों का टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस मॉर्निंग में तो लेनी मुश्किल होगी। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप ले लीजिएगा, और पीडीएफ मटेरियल, और जितना जितना जिस दिन काम करवा दिया जाता है उसको उसी दिन खत्म करें, क्योंकि टाइम जो है वो 6 महीने का टाइम है, अब दिसंबर में लगभग एग्जाम होना है, तो जिस दिन का आप काम है उसको उसी दिन खत्म कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा उसको क्या है हेल्प मिलेगी उससे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको रटना होता है, वो मैं आपको मटेरियल शुरुआत में ही दे दूंगा, चाहे वो बाद की यूनिट में आते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में जो सेंसस है, जनगणना के आंकड़े जो होते हैं, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जनगणना से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं हमेशा, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे। तो वो जनगणना के जितने आंकड़े हैं मैं आपको टेलीग्राम पे अभी सेंड कर दूंगा, आप उसको क्या करें अपनी वॉल पे लगा ओके सकते ओके हैं, या फोन में किस तरीके से भी आप उसको अभी से याद करना अगर शुरू कर देंगे तो बाद में जाके आपको क्या है मदद मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप बात, ठीक है। ओके तो ऐसे जितने भी डाटा होगा उस डाटा को मैं अभी सेंड कर दूंगा, धीरे धीरे करके आपको सेंड करता रहूंगा, तो आपको उसको अभी से याद करना है, क्योंकि याद करने का काम उसे तो याद करना है। अब जनगणना में आप क्या उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसमें तो बस याद करना है, तो 4-4 5-5 करके भी अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से अभी याद हो जाएगा। और इसके अलावा जितना भी टॉपिक करवा दिया जाते हैं, आज अगर जो टॉपिक करवाया है तो उसको आज ही खत्म करना है, उसके आज ही पेपर्स, उसके जो क्वेश्चन है उनको आज ही सॉल्व करने हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी आपने पेपर्स जो क्वेश्चन है उनको अभी आपने देखा होगा, उनको अभी सॉल्व करा होगा, फिर लास्ट में जब पूरा सिलेबस हो जाएगा एक बार फिर क्या है फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट मतलब एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर को एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या है आपके एक बार तो पहले ही सॉल्व हो चुके हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन, फिर दोबारा फिर सॉल्व होंगे, फिर 2-3 बार अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन को गलत होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। और बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्वेश्चन कोर्स है पूरा इसे तरीके चलेगा, तो आई होप कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कल से क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को आज यहीं पे रोक खत्म करते हैं, और कल से मॉर्निंग की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगी, ठीक हो गया। ओके, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।